जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी बांधवों न्याय मिलना चाहिए, होश में आओ, होश में आओ। आज 23 नवंबर 2021 है, लेकिन आज ही के दिन 27 साल पहले इसी जगह पर गोवारी हत्याकांड घटित हुआ था, जिसे आज पूरे 27 साल हो चुके हैं। लेकिन गोवारी हत्याकांड घटित होने पर कुछ लोगों को आज ही के दिन शहादत हुई थी। जो शहीदों को आदरांजलि श्रद्धांजलि देने उनके रिश्तेदार दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज के दिन जो गोवारी हत्याकांड हुआ था, वो आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आज का दिन जो है, आज गोवारी समाज का एक बहुत काला दिवस के तौर पे हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि आज गोवारी समाज के बहुत से ऐसे लोग थे जिनको शहादत नसीब हुई थी, शहीद हुए थे जो। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं सर से, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला था, क्या मामला था। मैं कैलाश राउत, अध्यक्ष आदिवासी गोवारी समाज संगठन महाराष्ट्र। 27 साल पहले जो हमने अपने अधिकार के लिए नागपुर विधानमंडल पर जो मोर्चा लाया था, उस मोर्चा में हमारी एक ही मांग थी कि गोंड गोवारी में कामा डालो और 24 अप्रैल 1985 का जीआर रद्द करो। और उसकी वजह से हमारे सब विदर्भ के लोग इकट्ठा हुए और टी पॉइंट पे सब लोग का मोर्चा वहाँ पे रोका गया। और उसी टाइम शरद पवार मुख्यमंत्री थे और मधुकर राव पिचड़ आदिवासी विकास मंत्री। हमारे लोगों का कहना था कि शरद पवार या उसका प्रतिनिधि आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड़ हमारे मोर्चे पे आए और हमारा निवेदन ले और हमारी डिमांड पूरी करे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जाति है गोवारी, उसी का ही गोंडवारी का जो अनुसूची है शेड्यूल लिस्ट में गोंडवारी करके आई है। काका साहेब कालेलकर आयोग जो था, मागास वर्ग आयोग, उसी में गोवारी की सिफारिश की 1956 में। और वही एक दायरा था कि हमारा जो गलती हो गई उनकी शासन की, वो गलती को दुरुस्त करो, यही हमारी मांग थी। और वो मांग को लेकर हम सब लोग इकट्ठा हुए और शासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, ऐसी हमारी डिमांड थी। लेकिन उन्होंने बहुत टाइम किया और ये बाद में वहाँ पे जो मोर्चा था, मोर्चा खड़ा हो गया तो पुलिस लोगों को लगा कि हमारे ऊपर वो विधान भवन में घुस जाएंगे। उसी टाइम मैं भी वो मोर्चे में था और उसी टाइम पुलिस ने लाठी हल्ला किया और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग किया और फायरिंग की वजह से इलेक्ट्रिक का जो जीवंत तार था वो नीचे गिरा। उससे वो और भगदड़ से 114 लोग वहाँ पे मारे गए और हजारों लोग शहीद जख्मी हो गए। और उसी दिन से आज 27 साल हो गए। और 27 साल के पहले की और एक बात है कि वो हत्याकांड होने के बाद जो युति शासन आई, जो गोवारी समाज का हत्याकांड है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था कि ये सरकार की एक नाचक्की हो गई थी। उसी टाइम सब समाज ने युति शासन को चुन के दिया, लेकिन युति शासन ने भी हमारा यानी कुछ काम नहीं किया, विश्वासघात किया। और 2% का जो आरक्षण दिया था हमको, वो भी बहुत से वहाँ पे 39 जाति थी और उससे भी हमको फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे लोगों ने माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की और 14 अगस्त 2018 को हमको हाईकोर्ट ने बताया कि गोवारी ही गोंडवारी आदिवासी है। और उसी टाइम महाराष्ट्र में युति शासन था और हमने ये शासन के आधार पे डिमांड किया सरकार से कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट और वैधता प्रमाण पत्र दो, वैलिडिटी दो। लेकिन वो भी सरकार ऐसी मगरमट्टी कि वो सरकार के ऊपर भी हमको कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। और 25 मार्च 2019 को माननीय हाईकोर्ट ने वो अवमानना याचिका को शासन को आदेश दिया कि इनको ताबड़तोब कास्ट सर्टिफिकेट दो। और कास्ट सर्टिफिकेट आदिवासी की और वैलिडिटी उससे उस दिन से हमको चालू हो गई। लेकिन इधर इलेक्शन होने के बाद, जो इलेक्शन के बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार आई और महाविकास आघाड़ी ने जो जुलाई 2020 को हमारे हाईकोर्ट ने दिए हुए न्याय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और
वहाँ पे जो सुनावनी हुई बाद में वो 18 दिन की सुनावनी और उस छुट्टी के दिन छोड़ के 10-12 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने हमारा रिजल्ट लगाया और 18 दिसंबर 2020 को हमको ऐसा दिया कि जो गोवारी आदि गोंड और आदिवासी से रिलेटेड है एफिनिटी दर्शाता है वो गोवारी गोंड गोवारी एसटी है और जो गोवारी है ये एसटी नहीं है। और इतना अन्याय शासन के तरफ से और वो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है क्योंकि हमारा समाज जो बहुत गरीब है अनपढ़ गवार लोगों की संख्या ज़्यादा है हमारे अशिक्षित है अलिटरेट है। इसके वजह से माननीय महाराष्ट्र के जो आदिवासी विकास मंत्री है केसी पाड़वी और उसकी टीम ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया और उल्टा सीधा बता के कोर्ट को बताया कि ये ऐसे आदिवासी और हमारी एक ही जात को आधे को गोंडगुआरी बोलती है आधे को गोवारी। अभी क्या है हाईकोर्ट में कोई जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे गोंडगुआरी उनको वैलिडिटी मिलेगी और जो गरीब है उनको एचबीसी में रहना पड़ेगा ऐसा द्विधे में ये शासन ने किया है। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और सब मंत्रिमंडल और नागपुर के पालक मंत्री को जाहिर निवेदन करता हूँ कि तुम महाराष्ट्र के सदन में टीएससी द्वारा आदिवासी गोंड गोवारी समाज में कामा डाल के इसकी सिफारिश केंद्र को कीजिए और हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए ये हमारी दरखास्त है। ये जो स्मारक है इस स्मारक पर स्मारक के बारे में आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते? मैडम इस स्मारक जो महाराष्ट्र शासन ने माननीय कलेक्टर के अध्यक्ष में इसकी देखरेख के लिए और हमारी संगठन जो आदिवासी गोवारी समाज संगठन है उसके अंडर ये स्मारक रखा है और शासन के तरफ से मुख्यमंत्री निधि से 1 लाख रुपये माननीय जिलाधिकारी के तरफ आते हैं और जिला अधिकारी के तरफ से ये काम जो है महानगर पालिका के आयुक्त और पाटबंधारे विभाग 1 के तरफ इसका रिन्यूकरण और सौंदर्यीकरण रंग रंगोटी का सब कार्यक्रम चलता है। लेकिन इस बार 15 नवंबर को माननीय कलेक्टर मैडम ने आदेश देने के बाद भी महापालिका ने यहाँ पे दुर्लक्ष किया और मैं सतत कल कलेक्टर से मिलते हुए फॉलोअप लेते हुए कल रात में यहाँ पे सफेदी और ये सब हो गया। इसीलिए मैं महानगर पालिका को ये दरखास्त करता हूँ कि महानगर पालिका के आयुक्त और महापौर ने इसके ऊपर ध्यान दे के यहाँ पे ऐसा रिनोवेशन करना चाहिए कि यहाँ पे मार्बल की स्टाइल वगैरह सब क्योंकि महापौर का नारा है स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर और नागपुर का 0 माइल इंडिया का हृदय स्थली है और वहाँ पे गोवारी स्मारक है और ये गोवारी स्मारक की दुर्दशा देख के हमारे गोवारी समाज के लोगों में बहुत नागपुर महानगर पालिका के बारे में बहुत संतप्त प्रतिक्रिया है। इसके वजह से मैं माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी जी और हमारे कमिश्नर बी राधा कृष्ण जी इनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे स्मारक पे ध्यान दे के एक देश में गोवारी समाज का जो स्मारक है ये पर्यटन स्थल बनना चाहिए इसी दरखास्त करता हूँ। धन्यवाद। आज 27 साल पूरे होने के बावजूद भी गोवारी समाज द्वारा जो मोर्चा निकाला गया था 27 साल पहले जिसमें इतने लोग शहीद हुए थे जिसने अपने प्राणों को गवा दिया आज भी कहीं ना कहीं उनकी मांगे वैसी की वैसी ही है आज भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान नागपुर।